सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, प्रणाम। फिर से दोबारा मैं आपसे दोबारा इसलिए लाइव आया एक बात कहने के लिए कि जब कोई आदमी किसी का मदद नहीं करता है तो कुछ मीडिया के लोग ये बोलते हैं कि ये स्टार हैं, ये अपने फिल्में लोगों से सिर्फ चलवाते हैं, अपने फिल्में के लिए अपील करते हैं लेकिन किसी का मदद नहीं करते हैं। और आज हम मदद करने आए तो उसको गलत रूप दे दिए कि खेसारी यहाँ तो फोटो खिंचाने आए थे, अपनी पब्लिसिटी करने आए थे। क्या मुजफ्फरपुर के लोग हमें नहीं जानते हैं, मुझे प्यार नहीं करते हैं? मीडिया के लोग, आप लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि अगर कोई श्रद्धा और दिल से किसी का मदद करने जाता है तो उसका सम्मान करिए। आप लोग प्लीज़, आप सबसे रिक्वेस्ट है, ऐसा मत कर दीजिए कि कोई किसी का मदद करने ही ना जाए। अगर आप ऐसे किसी को बदनाम कर देंगे, कोई नहीं जाता है तो आप लोग बोलते हो कि कोई आते नहीं है, गरीबों को कोई देखता नहीं है, उनको उनके दुख में कोई शामिल नहीं होता है। और आज हम दुख में शामिल होने गए तो आप लोगों ने उसको गलत रूप दे दिया कि नहीं खेसारी यहाँ फोटो खिंचाने आए थे। अपड़ा तपड़ी, वहाँ रोगी कोई खेसारी से फोटो नहीं खिंचवा रहा था, वहाँ कुछ परिजन थे और कुछ मीडिया के 400 लोग थे। अब बताइए, 400 लोग जब मीडिया के ही लोग हॉस्पिटल में घर रहेंगे तो कोई आदमी कैसे किसी का मदद कर पाएगा? जैसे गाड़ी से उतरिए, आप खुद ही दौड़ना शुरू कर देते हैं, तो सबसे भगदड़ मचाने का काम तो आप मीडिया के लोग कर रहे हैं। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप खुद ही भगदड़ कर रहे हैं और किसी और को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे आप करेंगे तो कोई दुनिया में किसी का मदद नहीं करेगा। सबको अपना मान सम्मान प्यार है और कोई आदमी किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए कहीं नहीं जाता है। और मुझे पब्लिसिटी पाने का कोई हक नहीं है। मैं जहां हूं वहां बहुत आज़ाद हूं और लोगों के दिल में हूं और लोगों के प्यार में हूं। और मैं एक कोई नया नहीं कर रहा हूं, मैं हर गरीबों के तकलीफ में मैं आता हूं, मदद करता हूं, कोशिश करता हूं कुछ अच्छा करने की। और आप लोग उसको गलत रूप प्लीज़ मत दीजिए, नहीं तो ऐसे करिएगा तो कोई किसी का मदद तक नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबको अपना मान सम्मान प्यारा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा मत करिए। मीडिया के लोग जितने लोग हैं, प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ऐसे मत करिए। आप अगर कोई मदद नहीं करता है तो आप उसके लिए आप दोषी ठहराते हैं जो कोई मदद नहीं करता है। आज कोई मदद करने गया है तो आप लोग उसको गलत रूप दे दिए कि खेसारी यहाँ फोटो खिंचाने आए थे। फोटो खिंचाने का वही प्लेस था मेरे लिए, और मैं बॉम्बे से चल के फोटो खिंचाने मुजफ्फरपुर में आऊँगा, वो भी हॉस्पिटल में। मेरे पास उतनी समझ है जो मुझे क्या करना है। मैं किसी को नहीं बोलने गया था कि आप फोटो खींचिए, मीडिया के लोग खुद ही दौड़ रहे हैं पीछे पीछे कैमरा लेकर। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? दुख में लोगों को सहयोग करने का काम करिए। आप लोग दुख में लोगों को चिंगारी डाल देते हैं और आग फैलाते हैं। आप लोग प्लीज़, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपके घर में भी बच्चे हैं, आप भी किसी बेटे के बाप हैं, आप भी किसी बच्चे की बाप हैं। उस दुख आपके घर आएगा तो समझ में आएगा। आप लोग किसी के दुख को पब्लिक सिटी करने का काम मत किया करिए। उसको संविधान, आप अपने हिसाब से उसको कम से कम संतुलन दे दीजिए। और कोई जाता है तो उसकी तारीफ करिए ताकि हर आदमी सामग्री लेकर पहुंचे। मैं सामग्री तक वहां नहीं दे पाया, फिर मुझे ब्लॉक में सामग्री पहुंचाना पड़ा, मुशहरी पहुंचाना पड़ा मुझे सामग्री। और हर रोज मेरा सामग्री पहुंचेगा, अब मुशहरी पहुंचेगा या डीएम ऑफिस में पहुंचेगा। तो प्लीज आप लोग ऐसा मत करिए ताकि कोई मदद के लिए ना आए। मैं श्रद्धा से आया था कि मैं यहाँ मदद करूं लोगों का और उनके दुख में शामिल हूं, और आप ऐसा कर दिए कि उसको गलत साबित कर दिए कि खेसारी यहाँ फोटो खिंचाने आए थे, अफड़ा तफड़ी मचाने आए थे। मुझे उतना वक्त और टाइम नहीं है जब मैं अफड़ा तफड़ी मचाने किसी के दुख में जाऊंगा। मैं 24 घंटा काम करता हूँ, मैं फिल्म की शूटिंग छोड़ के आया था मैं, ताकि मैं उनका मदद कर सकूँ। मैं आया था प्रमोशन के लिए, लेकिन मैं प्रमोशन तक नहीं कर पाया कि नहीं मेरे लिए मेरा फिल्म जरूरी नहीं है। आज उनके दुख में जाना जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि इन्हीं लोगों ने मुझे प्यार देकर इतना बड़ा किया है। और मैं आज उनके दुख में गया तो मीडिया के लोगों ने उसको गलत साबित कर दिया। नहीं जाओ तो आप बोलते हैं कि आप लोग नहीं जाते हैं, किसी के दुख में नहीं रहते हैं। आज हम जा रहे हैं, उसको भी आप गलत साबित कर दिए कि हम फोटो खिंचाने हैं। प्लीज मीडिया से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ऐसा मत करिए अपना चैनल चलाने के लिए। वहाँ मोबाइल का चैनल, बताइए चैनल छोटे छोटे लोग चलाने वाले, यूट्यूब वाले छोटे छोटे चैनल चलाकर और मोबाइल में शूट कर करके कम से कम वहाँ 400 मोबाइल पड़ा है शूटिंग के लिए। प्लीज रिक्वेस्ट है कि किसी को ऐसे मत करिए कि कोई किसी का हेल्प तक ना करे। प्लीज रिक्वेस्ट, लव यू ऑल। ऑडियंस से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं मीडिया से प्रॉब्लम जो हो रही है ये अच्छी बात नहीं है। आप लोगों को संतुलन दीजिए और लोगों को दुख में शामिल होने वाला काम करिए ताकि लोग दुख में शामिल होकर किसी का हेल्प कर सके। प्लीज रिक्वेस्ट है मीडिया से कि अगर हम जाते हैं
तो आप बढ़ावा देंगे तो दुनिया आएगी वहां किसी का सेवा करने और लोगों को सामग्री पहुंचाने और उनके दुख में शामिल होने। ऐसे आप हरकत करिएगा तो कोई नहीं आएगा, लोग दुख में भी नहीं आ पाएंगे। आप किसी को बदनाम मत करिए ताकि लोग जाना छोड़ दे, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। लव यू ऑल, जितने भी हमारे फैंस हैं सबको दिल से पैर छू के पड़ा। नमस्कार प्रणाम, जितना लोग हमके प्यार करे वाला बा, बस एगो अपील करे खातिर माइल बनी फिर से लाइव रहुआ सबके बीच में कि आज हम आए रहनी हो मुजफ्फरपुर में और यहाँ के स्थिति देख के समझ में आओ ताकि हर इंसान के मदद करे के चाहिए और समझ में आई ला कि एक इंसान होके के नाते हर आदमी के कर्तव्य बनाता जे इंसान खातिर आगे आवे। बस यहाँ कुछ नहीं के करे के रहुआ सबके, बस लोग के पास कुछ ऐसा सामग्री पहुँचा देवे के बाद जौना से ओकर जान बच सके। और हम डीएम साहब से मिलनी है, उनका भी विचार बहुत अच्छा लगा। मुजफ्फरपुर के डीएम है जो घोष साहब, सिटी डीएसपी से लेकर और प्रशासन ने बहुत कॉपरेट किया। एक चीज़ तकलीफ दिया मुझे थोड़ा वहाँ पे कि वहाँ पे मरीज से ज़्यादा मीडिया है और मीडिया बहुत प्रॉब्लम कर रही है। तो मैं मीडिया वालों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि लोगों के दुख में शामिल होने वाले लोगों को ऐसे ऐसे सवाल करते हैं लोग, जो वो थोड़ा सा तकलीफ दिया मुझे। और कम से कम मैं कोशिश में हूँ कि और प्रधान मुख्यमंत्री जो राहत कुछ है उसके हिसाब से मैंने कुछ सामान भिजवाया है और जो मेरे से हो सका है मैंने कोशिश की है जो मैं इनके लिए करूं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि हर आदमी के दुख में शामिल हो जाऊं। मैं आया था अपने एक कुल्ली सिनेमा रिलीज उसी के प्रचार के लिए, लेकिन मैं प्रचार अब नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे प्रचार से ज़्यादा और मेरे सिनेमा से ज़्यादा ज़रूरत आज लोगों को यहाँ आने की है। कम से कम जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया उनके दुख में शामिल होने का एक श्रेण मैं लेना चाहता हूँ कि ताकि मैं भी एक दिन गरीब था, मेरे पास भी कोई ऐसी संपत्ति नहीं थी, मैंने गरीबी देखी है। तो कोशिश रहती है, अजीब नज़ारा यहाँ का, अजीब माहौल है यहाँ का। ईश्वर ऐसा किसी को ना करे जो आज परिस्थिति में मुजफ्फरपुर में देख के आया हूँ। और मैं इसीलिए आया कि मैं हर आदमी से कह रहा हूँ कि आप लोग 10 क्विंटल 5 क्विंटल 100 क्विंटल मैंने कोशिश की है और आप लोग घोल जो होता है गुलकोंडी वारिस जितना भी होता है आप लोग प्लीज ला कर यहाँ पे और लोगों को पिलाइए, लोगों को दीजिए ताकि कम से कम जो बीमारी फैली है उस बीमारी से कुछ राहत लोगों को मिले। यहाँ लोगों को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। प्लीज़ आप उनके लिए दुआ करिए, मैं दुआ कर रहा हूँ आप सबसे भी कि जो लोग आप लोग एक बार मुजफ्फरपुर में आके उनके दुख में ज़रूर शामिल होइए क्योंकि आज उनको हमारी ज़रूरत है। एक इंसान होने के नाते मैं बोल रहा हूँ, यहाँ कोई पब्लिक सिटी नहीं। मैं अपील करना चाहता हूँ और मुझे डीएम साहब की तरफ से बहुत कोऑपरेशन मिला और डीएम साहब ने जो भी मीडिया को, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ से 2 बच्चे ठीक होकर भी गए हैं। तो इस अस्पताल को आप बदनाम मत करिए और डॉक्टर भी बड़े ईमानदारी से काम कर रहे हैं और डॉक्टरों से गलत नेटवर्क का बड़ा प्रॉब्लम है। तो मीडिया के लोग भी अपना अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो आदमी 24 घंटा एक डॉक्टर होने के नाते 24 घंटा जो आदमी उन मरीजों के लिए काम कर रहा है उनको बस उनको साहस और ताकत देने की ज़रूरत है। आज उन डॉक्टरों को भगवान की तरह हैं उन बच्चों के लिए और आज हम उनके बच्चे हैं, कल हमारे भी बच्चे हो सकते हैं। इसलिए एक पिता होने के भी नाते में, अपने बच्चों का पिता होने के नाते भी मैं बोल रहा हूँ कि हर आदमी को ज़रूरत है, आज आप उनके दुख में शामिल हो जाइए। आपसे जो बनता है, आप 10 पैकेट ही दे सकते हैं, आप उनके लिए करिए ताकि एक इंसान होने का फ़र्ज जो होता है, इंसान को इंसान होने का फ़र्ज अदा करना चाहिए। अगर हम इस दुनिया में हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इंसानियत का एक मिसाल कायम करें जो दुनिया में हर आदमी करता है। यहाँ कोई नेतागिरी नहीं है और कोई पॉलिटिक्स की बाजी नहीं है
और कोई चुनाव नहीं है। यहाँ पे एक इंसान को इंसान के लिए आना है और उनके लिए आप 5 पैकेट 2 पैकेट 10 पैकेट 5 क्विंटल 10 क्विंटल 100 क्विंटल आप जितना कर सकते हैं, आपकी जितनी शक्ति है, आज उनको आपकी ज़रूरत है, हम लोगों की, हमारे ही लोगों की ज़रूरत है। तो प्लीज़, मैं उसी के लिए आया था 3 दिन पहले कि मैं सिनेमा के लिए प्रचार करूंगा, लेकिन मैं नहीं किया। अपने कुल्ली का प्रचार इसीलिए नहीं किया कि मुझे आज कुल्ली की ज़रूरत तभी हो सकती है जब ये हमारे बच्चे जिंदा होंगे, अब जब हमारे बच्चे सुरक्षित होंगे। तो फिल्में तो चलती रहती आती रहती है, लेकिन जीवन से बढ़कर किसी का फिल्म नहीं होता है। तो मैं इसीलिए अपील करने आया हूँ आप सबसे कि प्लीज़ आपको जो हो सके उन बच्चों के लिए करिए। लेकिन जो मैं वहाँ की स्थिति देख के आया हूँ, कलेजा दहल गया है कि वो माँ बाप कैसे कैसे झेल रहे हैं उस हॉस्पिटल में लोगों को, और अजीब वहाँ का नज़ारा है, पागल हो जाएगा आदमी। तो प्लीज़ मैं आप सबसे अपील कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप जितना हो सके उनका मदद करिए, और उनको प्यार की ज़रूरत है, उनको मदद की ज़रूरत है, हमें दुआओं की ज़रूरत है। तो जितना दुआ हो सके उन बच्चों के लिए करिए, बस यही अपील करने आया हूँ। और मैं प्रशासन और सरकार को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि सरकार भी अपनी काम अच्छे तरीके से कर रही है और प्रशासन भी बहुत अच्छा कर रहा है। वहाँ के डॉक्टर भी, उनको सलूट है जो हमारे बच्चों के लिए इतना दिनों रात मेहनत कर रहे हैं उनके जीवन के लिए। तो मैं सबको सलूट करता हूँ, लेकिन हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उस जगह पे जाकर हमसे जो हो सके हम मदद करें, और हर आदमी का ये दायित्व बनता है। आज वो बच्चे हैं, कल हमारे भी बच्चे हो सकते हैं। तो हम किसी का मदद नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों के लिए कोई नहीं खड़ा होगा, इसलिए मैं कोशिश किया हूँ। तो प्लीज़ आप सबसे अपील है कि आप भी आइए और उन बच्चों के लिए जो हो सके आप करिए, और जागरूकता की ज़रूरत है। जो मुझे प्यार करते हैं, मैं आप सबसे भी अपील कर रहा हूँ कि जो मुझे प्यार करते हैं, अगर आप नज़दीक हैं उनके तो ज़रूर आइए। अगर आप प्रदेश में हैं तो मुख्यमंत्री का जो राहत कोष है उसमें आप भेजिए ताकि लोगों को मदद मिल सके। अकेला ये सरकार का काम नहीं है, अकेला प्रशासन का काम नहीं है, हम सबको ज़रूरत है और हमारे भी वो बच्चे हैं। इसलिए मैं आप सबसे अपील कर रहा हूँ और हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे भगवान हैं, मेरे ईश्वर हैं। तो एक बच्चा एक ईश्वर से क्या प्रार्थना कर सकता है। बस कोशिश थी मेरी, मैं आया, मेरे से जो हो सका किया, और कल भी करूँगा, परसों भी करूँगा, ये जब तक चलता रहेगा। मेरे अपने लोग आएंगे और उस राहत केंद्र से लेकर और उन मरीजों तक जितना चीज़ मेरा हो सकेगा मैं पहुँचाने का काम करूँगा, क्योंकि जीवन में आप लोगों ने जो मुझे दिया है वो कर्जा तो मैं नहीं उतार सकता। कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ हद तक आप सबके बीच में शामिल हो जाऊँ, और वो भी आपके दुख में। सुख में तो हर आदमी आता है, दुख में कोई कोई ही आता है, तो बस उस दुख का एक हिस्सा बनने आता हूँ मैं, ताकि मैं भी आऊँ और आपका आपके दुख में शामिल हो जाऊँ और मेरे से जो हो सके आपके जीवन के लिए कर सकूँ। क्योंकि आप लोगों ने इतना बड़ा जीवन दिया है तो मेरा भी एक दायित्व बनता है कि मैं आप सबके लिए सोचूँ, एक इंसान होने के नाते, और एक इंसानियत का फ़र्ज अदा करता हूँ, बाकी कुछ नहीं। तो मैं आप सबसे अपील करने के लिए लाइव आया हूँ कि प्लीज़ आपको जो हो सके आप प्लीज़ उनके लिए करिए। मेरे से जो हो सका मैंने किया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे जो प्यार करने वाले हैं, अगर 100 लोग भी अगर मदद करेंगे तो शायद मेरा यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उन बच्चों को आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है, आप सबकी मदद की ज़रूरत है, प्लीज़ उनका मदद करिए। लव यू ऑल, दिल से थैंक यू आप सबको जो आपने जितना प्यार दिया मुझे। हाँ, थोड़ा जाने में मुझे कष्ट हुआ, वहाँ पे मीडिया के लोग बहुत ज़्यादा थे, कम से कम 200-300 मीडिया के लोग थे, तो भीड़ तो है वहाँ पे। लेकिन प्लीज़ आप राहत के हिसाब से जाइए, दुआओं के हिसाब से जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, उनके लिए मैं गया था और मैं सफल हुआ कि उनको मैं जो चाहता था वो सामग्री पहुँचाया। कल भी, आज शाम को भी मैं कुछ पहुँचाने वाला हूँ, कल सुबह भी मेरे ट्रक से सामान आएंगे यहाँ पे पहुँचाने के लिए। तो कोशिश है मेरी कि मैं मुख्यमंत्री राहत केंद्र जाए वहाँ भी चीज़ें मैं डालता हूँ ताकि वहाँ तक पहुँच जाए। तो प्लीज़, क्योंकि मैं जाकर अब नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है देखने वालों की, सेल्फी खींचने वालों की। इसलिए मैं अब मुख्यमंत्री राहत केंद्र में मैं हर चीज़ देने वाला हूँ, तो आप भी दीजिए। आप कहीं बाहर हैं, आप यहाँ नहीं आ सकते, तो प्लीज़ आप मुख्यमंत्री राहत केंद्र में आप अपनी चीज़ों को पहुंचा सकते हैं, ताकि उन बच्चों के पास पहुंच जाए, उन परिजनों के पास पहुंच जाए और उनका कुछ मदद हो सके। तो लव यू, दिल से थैंक यू सबको, और सबको प्रणाम, पैर छू के आपका बेटा, आपका भाई।